नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छह प्राकृतिक नेचुरल आहार जिसकी वजह से आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को प्योरीफाई कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छह नेचुरल प्राकृतिक आहार जिसकी वजह से आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में ब्लड का होना सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है और हमारे शरीर को ब्लड ही आगे बढ़ाता है, चलाता है, उसको ऊर्जा देता है। तो दोस्तों, छह नेचुरल प्राकृतिक आहार जिसके बारे में हम जाने और वीडियो को एंड तक देखते रहेगा, क्योंकि लास्ट में आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊं जिसके करने की वजह से आप अपने पांव को आराम पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सबसे पहले बात आती है वाटर। जी हाँ, पानी। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जल है तो कल है, जल ही जीवन। यह तो हम सब जानते हैं कि धरती पर भी 75% पानी है और 25% ज़मीन है। इसी तरह से हमारे शरीर में भी 75% पानी की ही आवश्यकता होती है। दोस्तों, दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, जिसकी वजह से गंदे टॉक्सिन आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। बैक्टीरिया को पानी ख़त्म करता है, पाचन क्रिया को सहायक और मजबूत बनाता है, उसको कब्जियत को हजम करने की ताकत बढ़ाता है। पानी होगा तो हमारे जीवन में आगे शारीरिक शक्ति और एनर्जी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, पानी का होना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से पानी को पिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि एक नॉर्मल सी चीज़ है। अब दोस्तों, बात करते हैं आहार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चुकंदर। आपने सबने सुना होगा, चुकंदर को खून बढ़ाने का राजा, उसे खून बढ़ाने का सबसे ताकतवर शक्तिशाली आहार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, चुकंदर अपने आप में हरे गहरे लाल रंग का, उसका कलर भी हमारे ब्लड के कलर जैसा मैच होता है। तो दोस्तों, चुकंदर का सेवन करें, ये आपके खून को पतला करेगा, सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ कैंसर से बचाव, कब्जियत में सहायक, हड्डियां मजबूत, चेहरे पर निखार आएगा और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके ब्लड को सर्कुलेशन करेगा, उसको प्योरीफाई करेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं आहार नंबर 3, यानी कि नींबू। नींबू हम सब जानते हैं कि विटामिन सी का राजा है। नींबू में विटामिन सी होता है, इसके अंदर एसिडिक अम्ल पाया जाता है जो पेट में पड़े गंदे मल को आगे धकेलता है, हमारे पेट में पड़े हुए खाने को पचाता है, उसको ताकत देता है। विटामिन सी होने की वजह से नींबू अपने आप में एक ताकतवर, एक शक्तिशाली पदार्थ है। तो दोस्तों, इस आहार का सेवन करें, अपने खाने में नींबू का सेवन करें। दोस्तों, इसकी वजह से आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर पाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसे एसिडिक अम्ल पाए जाते हैं, ऐसे ताकतवर, ऐसे शक्तिशाली पदार्थ होते हैं, विटामिन होते हैं, कि वो आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, उसको साफ करता है। अब दोस्तों, बात करते हैं गुड़ के बारे में। दोस्तों, गुड़ हम सब ने सुना होगा, थकावट होने की वजह से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा दुर्बलता और कमज़ोरी आती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, एक गुड़ की डल्ली खा लीजिए, सारी थकावट दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बड़े बुजुर्ग सही कहते थे। गुड़ में इतने ताकतवर और शक्तिशाली गुण होते हैं कि ये आपके शरीर के गंदे टॉक्सिन को बाहर करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, पाचन क्रिया को मजबूत और सहायक बनाता है, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, दिमाग को स्थिर करता है, तनाव की कमी करता है, तनाव को पूरी तरह से कम कर देता है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके खून को पतला करता है और ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो आप गुड़ का भी सेवन कीजिए, यह आपके ब्लड को रोटेट करेगा, उसे प्योरीफाई करेगा नेचुरल तरीके से। अब दोस्तों, बात करते हैं आहार नंबर 5, यानी कि हल्दी। दोस्तों, टर्मेरिक हल्दी हर खानों में डलती है, हर सब्ज़ी, हर तरकारी में डलती है, लेकिन दोस्तों, इसका सेवन हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपने रात में जो लोग दूध पीते हैं, मिल्क का सेवन करते हैं, वो लोग दूध में एक चम्मच हल्दी का सेवन करें, तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा, खून को पतला करेगा और नेचुरल तरीके से ब्लड को प्योरीफाई करने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों, बात करते हैं आहार नंबर 6। जी हाँ दोस्तों, लहसुन। लहसुन तो हम सब जानते हैं कि इतना पावरफुल टॉनिक है कि ये खून को पतला करता है, यहाँ तक कि हार्ट अटैक के मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को बाईपास की प्रॉब्लम है, हृदय रोग की प्रॉब्लम है, वो लहसुन का इस्तेमाल करें। और दोस्तों, ये खून को पतला करने में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आहार है। तो दोस्तों, लहसुन का इस्तेमाल करें, ये आपके ब्लड को पतला करेगा, ब्लड को सर्कुलेशन करेगा, प्योरीफाई करेगा नेचुरल तरीके से। तो दोस्तों, ये 6 पदार्थ मैंने आपको बताया कि आप नेचुरल तरीके से ब्लड को प्योरीफाई कर सकते हैं, वो भी आसानी से। तो दोस्तों, ये 6 नेचुरल आहार जो मैंने आपको बताया, इन आहार का सेवन करें और इससे होने वाले फ़ायदों का लाभ उठाएं। मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम आपको एक रेसिपी बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, दिन भर की थकान के बाद यदि आपके पैरों को आराम चाहिए तो एक ठंडे पानी की बॉटल अपने पाँव के नीचे रखें, उसे आगे पीछे करें, जल्द ही आपके पैरों को आराम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये पुराना तरीका है, नेचुरल तरीका है, इसमें कुछ भी करना नहीं है। एक ठंडे पानी की बॉटल, वो पानी लें जो वेस्टेज पानी है, पीने का पानी नहीं लें, क्योंकि पीने का पानी पाँव के नीचे रखना अपमान समझा जाता है। तो एक नॉर्मल वाटर लें जो पानी पीने लायक नहीं हो, उसको ठंडा करें फ्रिज के अंदर या जो भी व्यवस्था हो, उसके बाद उसको अपने पाँवों के, अपने पैरों के नीचे रखें और आगे पीछे करें। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, पैरों को आराम मिलेगा और तनाव दूर करता है। तो दोस्तों, ये रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में, तो इस जानकारी के साथ ही आपसे विदा लेते हैं।
नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द मुलाकात होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको जो कुछ सुझाव हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, करीबी मित्र, रिश्तेदारों में। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि फिट इंडिया टीवी के माध्यम से आपको होममेड नुस्खे और इस तरह की जानकारी प्रोवाइड की जाती है जो हेल्थ से रिलेटेड होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आपके साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।